गुरु जी साजी जी गुरु रूप साध संगत योग एक छोटी जी बेनती सुना के मैं पिछे हो जाना। दसम पातशाह जी का एक हुक्मनामा है प्रोजेक्टर वाले विभागों दोवों को जे चला सकते तो स्क्रीन में चला। यह हुक्मनामा तख्त श्री पटना तख्त साहब के शोक है जिसके वो दर्शन कराते हैं शस्त्रां दे ते इन्हां हुक्मनामें दे विच कराते हैं। वो हुक्मनामे में लिखा होया है कि गुरु के सिख ने हथ विच सर्वलोक का कड़ा रखना है। सत पातशाह का हस्तलिखित हुक्मनामा है सारी संगत विच जो कड़ा है सर्वलोक का पहनना है। तो आप स्टील के बाई बजा मेरा ख्याल है 10% होंगे जिन्होंने सरोवर का कड़ा धारण किया। गुरु की प्यारी साध संगत जिमें जिमें गुरु का हुक्म है कतारा के ककारा के मुतलक बाणिया पढ़ के मुतलक तो जिमें जिमें का हुक्म है जो उसकी पालना करांगे तो ही साड़ी चढ़ती कला होगी ना। तो हूँ तो गुरु की प्यारी सिंह दास पिछे अमृतसर साहब जाने का सुख समा प्राप्त होया कि वह ककारा वाली दुकाना मैं देखे तो सारे कड़े सील दे सारे कोई गजरिया वर्गे कंडिया वर्गे कोई पित्तल का कोई तांबे का कोई काला पेंट किया किसी के मूल मंत्र लिखा। गुरु की प्यारी साध संगत असी हाथ में जो मूल मंत्र का कड़े के पाठ लिखा तो असी जल जंगल पानी जाके नहीं असं स्वच्छ होवे बेअदबी नहीं है। केवल तो केवल दास की सीढ़ी जिसने विह के आई तो उन्हें स्टील का कड़ा पाया मैं लुहारा का मुंडा जाके भट्टी के सिद्धिया कर करके सब तो पहला कड़ा तैयार करवाई देते जोड़ के कड़ा बनाया वो कड़ा पाई जाती है सर्वलोक तैयार होना चाहिए दूसरे ककारा नाल। ते असी ककारा विच ये जी मिक्सिंग करी जाते हैं ना मुद्दे वो एक पित्तल की लकीर आने लग पी स्टील के उत्ते पित्तल की लकीर आने लग पी दो हाथ जोड़ के गल च पला पा के बेनती गुरु की करे साध संग जी सर्वलोक के कड़े तैयार करिए। जिहड़ियां कृपाना भी उदो स्टील नहीं सी हुंदा कृपाना जो सरवलों दिया गुरु के जितनिया प्राप्त कृपाना आजाद बड़िया सरवलों दिया कृपाना हैं। इधर भी ख्याल रखिए जो जिमें जिमें जो जो गुरु साहब ने बख्शिश किया तिवें तिवें धारण करांगे ते चढ़ती कला आएगी जी। ये ना सोचिए कि ये किने गया है मैं बड़ा तगड़ा मनुख हाँ ये ना सोचो कि मैं दर्शन करना तो नहीं बनती गुरु का हुक्म है लिखित हुक्म है। मेरा प्रोजेक्टर तो भाई साहब ने चलाया भी होगा कि कड़ा सरबलो का हाथ च रखना तो आपके बचपन उन्होंने मनिए सोचिए कहने गया वाहेगुरु जी का खालसा हुक्म तो मेरे पास भी है मैं एक गुणे पढ़ के सुना दिना भाई हुक्मनामा साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का पावन हुक्मनामा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सर्वत संगत कावल गुरु रखे है। कावल की संगत को महाराज जी ने यह हुक्मनामा हाँ बड़ा कम कर जो डॉक्टर साहब भी जिसने कर रहे सन तो इको बड़ी डिस्टर्ब कर रही थी। एक कावल की संगत को महाराज ने हुक्मनामा बख्शिश किया सर्वत संगत कावल गुरु रखेगा तुसा उते असाडी बहुत खुशी है तुसा खंडे का अमृत पंजा तो लैना केस रखने ये साड़ी मोहर है कच्छ कृपान का विसा नहीं करना सर्वलोक का कड़ा हाथ रखना दोवें वक्त केसा की पालना कंघे स्यों करनी कंघे नाल दो टाइम केस केसा की सेवा करने का हुक्म है। तो गुरु की प्यारी साध संग एक होर बेनती है भाई साहब ने शाह देता कि जिहड़ी दस्तार है ना वो जिमें जिमें बननी है उदा उदा ही उतारनी है। तो ये चुन चुन के बदल का मतलब पूरी दस्तार खोल के फिर सजानी है टोपी वाग नहीं। महाराजा रणजीत सिंह साहब के दरबार के एक बहुत गभरू एक नौजवान आया तो उन्हें बहुत सुंदर दस्तार सजाई हुई सी। महाराजा साहब ने कहा कि इनू अगे पेश करो तो उन्हें मुड़े को महाराजा साहब ने कहा भी तू बहुत सोहनी दस्तार सजाई है तो दरबारियों ने कहा इन 500 बोला इनाम दिखाई जा 500 रुपया अच्छा करोड़ों के बराबर होगा। महाराजा साहब ने कहा 500 बोला इन इनाम दियो इन्हें बहुत सोहनी दस्तार सजाई वो मेरे वर्गा कोई बेवकूफ होना वो कहता जी यार मैं कल की सजाई कर अज सजाई उन्हें फिर दे दी थी। महाराजा साहब ने कहा इन 500 बोला बख्श छोड़ दो ये जो
जुर्म करो मेरे को पास होगा जुर्माना लो। तो गुरु की प्यारी साहब सिंह जिमें जिमें दस्तार सजानी है शाम को उस तरह ही दस्तार खोल के चुन के रखनी है। यह भी हुक्म है सीना मसीनिया सारिया गल् मेकर नहीं सीना मसीनी तुरी आदि गलत वो कंघा दोनों वर्त करना सरबत संगत अपाख्या का गुठा खावे नहीं गुठे की गल गुरु की प्यारी साहब संगत बब्बे हाली पिंड एक बार खालसा कैंप लगा सी दास उत्ते हाजिर सा उत्थे सिख मिशनरी कॉलेज वाले जो प्रिंसीपल साहब वो दिने लैक्चर दे के गए भी सिख जिहड़े झटका मास खा सकते हैं तो गुरमुख प्यारे जिहड़े उत्थे जिन्हां ने प्रबंध किया कहते भी इतने बड़ी माड़ी गल सी एवें पैसे लगे जे मास खाण वाले जोड़ना सी तो सानू भी लोड़ी पैसे खर्चा दी। भाई रणजीत सिंह जी गुरमुख प्यारे चढ़दी कला वाले जथेदार गुरु के अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने आना सी उन्हां दा शाम नूं लैक्चर होना सी कैंप विच उन्होंने सिंह मैं भी नॉलेज सी सिंह जा कहते भाई साहब जी श्रोम जो श्रोमणी कमेटी का जोड़ा सिख मिशनरी कॉलेज है वो जोड़े ची प्रबंधक साहब सानू को आए थे वो तो कहते झटका मास खा लेना चाहिए दुबदा क्रिएट करके तो कहते कोई नहीं जो तुम मैं टाइम दोगे उदो मैं दसागा। भाई रणजीत सिंह जी जिस खड़े हुए वो कहते कि सिंह ने मैं मानना मास खाधा जो चंगा चंदा घेरा पाया सारा कुछ खाण मुक गया तो कहते घोड़े वाली पे कहते जिदा उन्होंने खाधे कोई खा के दसो कच्चा मास खाधा जाता तड़के तुड़के तो मुक गए सारे मसाले मसूले सारा कुछ मुक गया था जी तो कहते जिदा उन्होंने मास खाधा तुम खा के दसो खा सकता कोई कहते इस करके गोल मोल गल रखी है कई साइबेरिया वर्गे देश जिथे सील मस्सी का ही लोग शिकार करते हैं वो गल के कपड़े पहनते हैं वो तेल का दीवा जगाते हैं वो मास नहीं खाते हैं जे उत्थे कोई गुरु की सिखी धारण करना चाहे ये वो वास्ते है ना कि जीव के स्वाद वास्ते। सो कुठे का मतलब यह है कि जीव न जबरदस्ती मारना तरफा तरफा के मारना भाव के समकर माणी गुरु ग्रंथ साहब जी भी कहती है कि अठ सा तीर्थ सगल मोहन जी दया प्रवान जिस वे जिया के दया नहीं सिखी प्रवान नहीं है। गुरु की प्यारी साहब समझे तो अगे लिखा है मैं मीणे मसंगे राम रइए की संगत ना बैसो गुरबाणी पढ़नी वाहेगुरु जपना गुरु की मत रखनी सरबत संगत उपर मेरी खुशी है। दास ने केवल इस वास्ते आप जी ने जिते धोखा नामा कराया घड़ा तो घट्ट घट ही सर्वदा पाइए दो टाइम कंघा तो गुरु की प्यारी साहब सिंह रैत नामिया आता है केस कंघा केसर में धरया सो खालसा खराब है कंघा जरा केसा च रखना गाते जो नीबिया बांधिया यह हुक्म की अदूली है जिसले अमृत सिखाते हैं तो वह कहते भी कंघा जरा जूड़े च रखना तो जूड़ा सिर के उत्ते करना या पिछे करना ये पांच पैरे उत्ते दस देंगे उस वे असी घर आ गए वाल स्ट्रेट करा लो बाबा जी कई कोई कहते बंदे दस दें चरमा दी है वाल स्ट्रेट कर लो इदा कर लो उदा कर लो पिछे गुदलियां जी बनाइया दलियां जूड़े करने हैं गरी साहब सिंह कंघा रखना यह प्रमाण है सिखी च।